और राजा सिंह जी दोनों हम लोग गए थे और वहां पर जो हाल ही में असेंबली के चुनाव में जिस तरह से यहां वोटों को गलत किया गया है, वोटों को यहां से वोटर लिस्ट से हटाया गया है और जिस प्रकार से ये जो सारी व्यवस्था चली थी चुनाव की व्यवस्था और चुनाव की जो प्रोसेस चली थी उसमें कई सारे ऐसे गलत काम हुए थे जिससे कि जनता का जो असली मत है वो सामने नहीं आया और हजारों लाखों वोट हटाने के बाद हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आपने सही तरह से चुनाव किया है। और इस बारे में सीईओ ने बहुत देर तक चर्चा हमसे की है। हम ये चाहते थे कि ये जो चुनाव हुआ है गलत तरीके से हुआ है और जो वीवीपीएटी हो या ईवीएम्स हो कई जगह पे खराब हुए थे, ठीक से काम भी नहीं किए, फिर बाद में देरी से इलेक्शन चुनाव हुआ है, इस तरह तरह के जो हमारे नज़र में लाए गए थे जनता से हम सब इनको सामने रखा था। और आज हम ये डिमांड करते हैं कि जो चुनाव अब तक हुआ है ये जनता का असली मत नहीं है, जनता का असली ओपिनियन नहीं है, इसीलिए आने वाले जो पार्लियामेंट इलेक्शन है कम से कम उस पर ठीक से इलेक्शन करें और उनको जो गलत करते हैं उनको सजा दें। और हम ये चाहते हैं कि जो अब तक चुनाव हुए हैं ये गलत तरीके से हुआ है तो उसको रद्द करके हो सके तो सबको फिर से वोटर लिस्ट में डालकर एक चुनाव फिर से लगाया जाए, ऐसा डिमांड भारतीय जनता पार्टी किया।